हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक बार फिर आपसे आपके लिए लेके आए हैं स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, लैब अटेंडेंट, लाइब्रेरियन और बहुत सारी वैकेंसी जो कि हैं आपकी एम्स में। तो आपको कैसे अप्लाई करना है, सैलरी भी काफ़ी अच्छी है, आपको कैसे अप्लाई करना है पूरी डिटेल इस वीडियो में देंगे। स्टार्टिंग से लास्ट तक बनी रहिएगा, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, उसमें आपका ही नुकसान होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप जैसा कि देख सकते हैं स्क्रीन पे, सबसे पहले हम बात करते हैं लैब सॉरी स्टाफ नर्स की, जो कि ग्रेड सेकंड की वैकेंसीज हैं, एम्स में हैं। और आपको बता दूं कि ये जो वैकेंसीज हैं वो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, लेकिन जो सैलरी है वो आपकी काफ़ी अच्छी है। सारी वैकेंसी लगभग कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे, स्टाफ नर्स ग्रेड सेकंड, इसकी जो 100 पोस्ट हैं और जो सैलरी है वो 36,500 है। तो सैलरी ख़राब नहीं है, सैलरी बहुत अच्छी है। और आपका जो काम है वो यहाँ पे जो स्कोप दिया गया वो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं, पूरा डिटेल में दे रखा है इन्होंने। चलिए अब बात करते हैं दूसरी वैकेंसी के बारे में, जो कि आपकी लैब टेक्नीशियन की आपको दिखाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो 10th नंबर लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी है। इसकी जो वैकेंसी है वो 8 वैकेंसी है और जो सैलरी है वो 22,000 है रुपये पर मंथ के अकॉर्डिंग। और जो वर्क होता है वो यहाँ पे दे रखा है, वही होता है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टेस्ट होते हैं जो आपको एनालिसिस से लगाने पड़ते हैं और अपना पूरा जो काम है वो देख के करना पड़ता है। चलिए दोस्तों, अब आपको दिखाते हैं लैब अटेंडेंट की। लैब अटेंडेंट जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो 16 नंबर, इसकी भी वैकेंसी 8 है आपकी और सैलरी जो है 21,000 रुपये है। लैब टेक्नीशियन से 1,000 रुपये कम सैलरी है, लेकिन पोस्ट 8 है जो कि लैब टेक्नीशियन की भी 8 है। और हॉस्पिटल अटेंडेंट की बात करें तो नर्सिंग कॉलेज में आपका होगा और इसकी 40 वैकेंसी है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। 15,800 इसकी फीस है। अब आपको जो इसकी कंडीशंस हैं वो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। ऑल द पोस्ट आर टीनेटिव, मतलब ये जो पोस्ट है वो एक ड्यूरेशन के लिए हैं, जो भी उनकी ड्यूरेशन होगी उसके लिए हैं। आपकी जो सैलरी है वो आपको पर मंथ के अकॉर्डिंग दी जाएगी और ये जो काम होगा वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर होगा। ये सारी यहाँ पे दी रखे हैं और जो वैकेंसीज हैं वो आप देख सकते हैं, आपको पूरा दे दिया है डिटेल। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।